हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सिग्नल सिस्टम के जेट ट्रांसफॉर्म में यूनिलैटरल जेट ट्रांसफॉर्म सीखने जा रहे हैं। यूनिलैटरल जेट ट्रांसफॉर्म सीखने जा रहे हैं। अभी तक जो भी हम कर रहे थे वो बायलैटरल जेट ट्रांसफॉर्म था। मतलब सिंपली जेट ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या था? बायलैटरल जेट ट्रांसफॉर्म जो फॉर्मूला लगा रहे थे xz इक्वल टू समेशन ऑफ n इक्वल टू माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी xn z टू द पावर माइनस n, ये जो फॉर्मूला जेट ट्रांसफॉर्म निकालने का था ये बायलैटरल जेट ट्रांसफॉर्म था। तो लिखते तो इसे जेट ट्रांसफॉर्म ही थे। हाँ, तो जेट ट्रांसफॉर्म का बाय डिफॉल्ट मतलब होता है बायलैटरल जेट ट्रांसफॉर्म। और यूनिलैटरल जेट ट्रांसफॉर्म इस तरह से एक्स जेड से रिप्रेजेंट करेंगे। यूनिलैटरल जेट ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला होगा n इक्वल टू 0 टू इनफिनिटी xn z टू डी पावर माइनस n, ये फॉर्मूला होगा। ये राइट साइडेड यूनिलैटरल जेट ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला होगा। लेफ्ट साइडेड करेंगे तो माइनस इनफिनिटी से जीरो हो जाएगा, लेकिन बाय डिफॉल्ट राइट साइडेड यूनिलैटरल जेट ट्रांसफॉर्म ही यूनिलैटरल जेट ट्रांसफॉर्म होता है। बाय डिफॉल्ट राइट साइडेड ही, जब तक बोला नहीं है लेफ्ट साइडेड नहीं लगाएंगे। तो यूनिलैटरल जेट ट्रांसफॉर्म का ये फॉर्मूला होता है, चाहे जेट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगा के जो 10.19 प्रॉब्लम है, डिटरमाइन द यूनिलैटरल जेट ट्रांसफॉर्म, मतलब राइट साइडेड यूनिलैटरल ही है ना, सिर्फ यूनिलैटरल बोला तो राइट साइडेड ही लगाना है, कोई समस्या नहीं है इसमें। ऑफ द फॉलोइंग सिग्नल एंड स्पेसिफाई द कोरस्पॉन्डिंग रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। ये बहुत सारे सिग्नल है जिसका यूनिलैटरल जेट ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो आइए फाइंड करते हैं प्रॉब्लम पार्ट ए बी सी का यूनिलैटरल जेट ट्रांसफॉर्म। आप देख रहे हैं मैथोशी गुरु चैनल और मैं हूं राजीव पटेल। यो माथा शिगर कर लो पढ़ाई शुरू। आइए पढ़ाई शुरू करते हैं। पहला देखते हैं यूएन प्लस फाइव है, ए पार्ट देखते हैं। यूएन का मतलब क्या होता है? 1 एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, 0 अदरवाइज। यहां से अगर यू एन प्लस 5 निकालेंगे तो क्या होगा? 1 एन प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब हो गया n ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 5, 0 अदरवाइज। तो हमें निकालना है x1n इक्वल टू है 1/4 टू डी पावर n u ऑफ n प्लस 5, इसकी वैल्यू निकालनी होगी तो क्या होगा? 1/4 टू डी पावर n इंटू 1, 1/4 टू डी पावर n होगा n ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 5 के लिए, 0 अदरवाइज, ठीक है। अब इसका यूनिलैटरल जेट ट्रांसफॉर्म निकाले तो x1z इक्वल टू होगा समेशन ऑफ n इक्वल टू 0 टू इनफिनिटी x1n z टू डी पावर माइनस n। अब 0 से इनफिनिटी तक x1n की क्या वैल्यू है? ये तो माइनस है ना, ये देखें तो माइनस 5 से लेके इनफिनिटी तक वैल्यू है, तो 0 से इनफिनिटी तक भी तो यही वैल्यू होगी। इसको लिख सकते हैं ना, n इक्वल टू 0 टू इनफिनिटी x1n की वैल्यू 1/4 टू डी पावर n z इनवर्स टू डी पावर n, इसको लिख सकते हैं। मतलब n इक्वल टू 0 टू इनफिनिटी 1/4 z इनवर्स टू डी पावर n। अब समेशन का फॉर्मूला पढ़े होंगे आप लोग, क्या होता है फॉर्मूला? समेशन ऑफ x इक्वल टू n इक्वल टू a टू इनफिनिटी x टू डी पावर n इक्वल टू होता है x टू डी पावर a 1 माइनस x और मॉड x लेस देन 1, और इनफिनिटी होता है मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए। तो इसका a वाला फॉर्मूला लगाएंगे और कंडीशन लगाएंगे मॉड x लेस देन 1। जो कंडीशन मॉड x लेस देन 1 होता है वही रीजन ऑफ कन्वर्जेंसी होती है आपकी। तो क्या लगाते हैं? 1/4 जेड इनवर्स टू डी पावर 0 अपॉन 1 माइनस 1/4 जेड इनवर्स, आरओसी हो जाएगा मॉड ऑफ 1/4 जेड इनवर्स लेस देन 1। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले, क्या बन जाएगा ये? 1 अपॉन 1 माइनस 1/4 जेड, आरओसी होगा 1/4 जेड लेस देन 1, आरओसी होगा 1/4 जेड लेस देन 1। एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई करते हैं,
वन बाई फोर लेफ्ट साइड ही लेते रहने देते हैं, मॉड राइट साइड लेके चले जाते हैं। तो एक्स वन जेड की वैल्यू आ गई, एक्स वन जेड इक्वल टू आ गया फोर जेड अपॉन फोर जेड माइनस वन, और आर ओ सी हो गया, विथ आर ओ सी निकलना है, आर ओ सी हो गया मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन वन बाई फोर, एक्स वन जेड की वैल्यू। फर्स्ट पार्ट ए पार्ट का आंसर आ गया, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। इसको ऐसे भी छोड़ दे सकते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी छोड़ देते हैं, वन अपॉन वन माइनस वन बाई फोर जेड इनवर्स, जेड इनवर्स के टर्म में। पोल जीरो प्लॉट करना चाहते हैं, पोल जीरो प्लॉट हो जाएगा, जेड इक्वल टू वन बाई फोर पे पोल होगा और जीरो जेड इक्वल टू जीरो पे होगा, इसको ड्रा कर देंगे, रियल इमेजिनरी आर ओ सी आउट साइड होगा, एक्सटीरियर टू द सर्किल, मॉड जेड इक्वल टू वन बाई फोर, पोल जीरो प्लॉट हो गया। पोल जीरो प्लॉट करना भी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, अब तो आप लोग एक्सपर्ट हो चुके हैं पोल जीरो प्लॉट करने की। बी पार्ट का सोल्यूशन देखते हैं, ये तो नोट डाउन कर ही लिया है आपने, आइए बी पार्ट को सॉल्व करते हैं इसका। बी पार्ट, अगर डेल एन प्लस थ्री को प्लॉट करेंगे तो डेल एन प्लस थ्री का मतलब क्या है, एन इक्वल टू माइनस थ्री है ना, एन इक्वल टू माइनस थ्री पे वैल्यू बनना है, और डेल एन का मतलब क्या है, एन इक्वल टू जीरो पे बनना है, और यू ऑफ माइनस एन का मतलब क्या है भाई, माइनस इनफिनिटी से जीरो तक, जीरो पे बनना है, माइनस वन पे बनना है, माइनस टू पे बनना है, माइनस थ्री पे बनना है, ऐसी सारी वैल्यू है ना, लेफ्ट साइड है। तो बी एक्स टू एन बोला है, एक्स टू जेड सेकंड का यूनिलैटरल जेड ट्रांसफॉर्म, एन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी, एक्स टू एन जेड टू डी पावर माइनस एन। अब इसमें देखिए राइट साइड तो कुछ है ही नहीं वैल्यू, इसको अगर अगर इस फॉर्मूले को खोलेंगे तो एक्स टू जीरो जेड टू डी पावर जीरो प्लस एक्स टू वन जेड टू डी पावर माइनस वन प्लस एक्स टू टू जेड टू डी पावर माइनस टू। तो एक्स टू में देखें यहां तो जीरो के लेफ्ट साइड ही वैल्यू है, राइट साइड है ही, यहां पे एक वैल्यू जीरो पे है, यहां पे भी एक वैल्यू जीरो पे है, राइट साइड तो कोई वैल्यू ही नहीं, मतलब एक्स टू वन जीरो है, यहां पे देखें तो क्या है, एक्स टू वन भी जीरो है, एक्स टू टू भी जीरो है, एक्स टू थ्री भी जीरो है, आगे सारे जगह पे जीरो है, ये पूरा जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, आगे सारा जीरो हो जाएगा, बस बचेगा एक्स टू जीरो। एक्स टू जीरो में देखें जीरो पे डेल एन की वैल्यू क्या है, वन है, इस वाले में जीरो पे वन है, इसमें जीरो पे एन इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो क्या आएगा, टू टू डी पावर जीरो इंटू वन, वन प्लस वन इक्वल टू टू। आर ओ सी पूछा है तो आर ओ सी को कोई कोई कंडीशन ही नहीं आया जहां पे डाइवर्ज करेगा, जो इनफाइनाइट वाला फॉर्मूला होता था उसमें इन्फिनिटी वैल्यू आती थी तो हम बोलते थे कि इस रीजन में डाइवर्ज करेगा बाकी दूसरे रीजन में कन्वर्ज करेगा, तो यहाँ तो ऑलवेज कन्वर्जेशन, तो आर ओ सी क्या होगा, ऑल जेड, जेड के हर वैल्यू पे कन्वर्ज करेगा। तो एक्स टू जेड की क्या वैल्यू आ गई, सेकेंड का जेड ट्रांसफॉर्म का क्या फॉर्मूला आ गया, देखिए लिख दीजिए यहाँ सेकेंड का जेड ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला, एक्स टू जेड इक्वल टू टू आ गया, आर ओ सी ऑल जेड, ठीक है। सी पार्ट पे आते हैं, सी पार्ट का जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं, आइए जल्दी से हम और आप मिलकर सोल्व करें पार्ट सी ऑफ प्रॉब्लम 10.19, 10.19 का पार्ट सी सोल्व करते हैं। अरे मॉड आ गया भाई, मॉड एक्स तो बहुत बार देखे, मॉड एक्स की वैल्यू एक्स होती है एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए, और माइनस एक्स होती है एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो के लिए, मतलब जीरो से इन्फिनिटी तक की जरूरत हो तो मॉड एक्स के जगह पर आप एक्स पुट कर सकते हैं जब एक्स पॉजिटिव हो तो, और जब एक्स निगेटिव हो तो मॉड एक्स के जगह पर माइनस एक्स पुट कर सकते हैं। देखिए एक्स थ्री जेड का जेड ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला क्या आएगा, समेसन ऑफ एन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी एक्स एन एक्स थ्री एन जेड टू डी पावर माइनस एन। अब यहाँ जीरो टू इन्फिनिटी है ना, एक्स इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी है तो मॉड एक्स के जगह पर सिंपल एक्स, मॉड एन के जगह पर सिंपल एन पुट कर सकते हैं,
वन बाई टू टू डी पावर एन जेड टू डी पावर माइनस एन, तो ए एन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी वन बाई टू जेड इनवर्स टू डी पावर एन। अभी तो है ना ए पार्ट वन बाई फोर टू डी पावर एन जेड इनवर्स आया था ना, वैसा ही आ गया है। फॉर्मूला लगा लीजिए, वन बाई टू जेड इनवर्स टू डी पावर ए वन माइनस वन बाई टू जेड इनवर्स आर ओ सी हो जाएगा वन बाई टू जेड इनवर्स का मॉड लेस देन वन, तो वन आ गया वन माइनस वन बाई टू जेड आर ओ सी मॉड ऑफ वन बाई टू जेड लेस देन वन। टू जेड एलसीएम ले ले, टू जेड माइनस वन आर ओ सी हो गया, जेड राइट साइड भेज दें तो वन बाई टू का मॉड वन बाई टू ही होगा, तो यहां से एक्स थ्री जेड की वैल्यू आ गई टू जेड अपॉन टू जेड माइनस वन आर ओ सी हो जाएगा मॉड जेड ग्रेटर देन वन बाई टू। ये तीनों पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी पार्ट के तीनों पार्ट के आंसर आपने देख लिया। आगे के वीडियो में देखेंगे कि जो यूनिलेटरल जेड ट्रांसफॉर्म है उसका बहुत महत्व है, रियल लाइफ जो प्रॉब्लम होती है, रियल प्रॉब्लम जो होती है उसमें जो हम डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते हैं उस सबको सोल्व करने में जीरो स्टेट रिस्पॉन्स जीरो इनपुट रिस्पॉन्स ये सारी चीजें यूनिलेटरल लैपलास जेड ट्रांसफॉर्म के अंदर देखेंगे, तो आगे आने वाले वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टे ट्यून्ड, आप चैनल सब्सक्राइब करके और इंतजार करिए आगे वाले वीडियो का, इंपॉर्टेंट वीडियोज आने वाले हैं। धन्यवाद।